हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर। यानी कि जो एसी वोल्टेज है वो हम अप्लाइड करते हैं किसी भी रजिस्टर में से, तब क्या होता है? तो देखो भाई, एसी क्या होते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी, मान लो एसी जो है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जो एसी होती है ना, उसमें इस तरह से ये सिंबल होता है उसका, यानी कि ये वेव फॉर्म में मूव करती है। और जो डायरेक्ट करंट होता है ना, वो एक वायर में से, मान लो डायरेक्ट, यानी कि जो करंट है वो डायरेक्ट पास होगा। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या करता है, मान लो ये वायर है, आपने इसको यहाँ से टच किया तो ये आपको चिपका के रखता है, इस तरह से चिपका के रखता है। यानी कि क्या करता है? अट्रैक्शन करता है आपका, यानी कि किसी भी कंडक्टर का अट्रैक्शन करता है। अगर आपने यहाँ पर अपना हैंड लगाया है तो ये आपको अट्रैक्ट करेगा, मेन छूटने नहीं देगा। और अगर ये हमारे पास डायरेक्ट डीसी करंट का वायर है, तब क्या होगा? ये जो डीसी करंट का वायर है, अगर आप यहाँ से टच करोगे तो ये आपको एकदम से रिपल्सन करेगा, मीन्स आपको दूर फेंक के मारेगा। तो क्या होता है कि एसी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि आपको चिपका के रखता है, और जो डीसी करंट होता है वो आपको रिपल्सिव करता है, मीन्स दूर फेंक के मारता है। यही होता है एसी और डीसी करंट। तो जो ख़तरनाक होता है वो एसी करंट होता है, क्योंकि वो चिपका के रखता है। डीसी में तो भई आपको थोड़ी देर बाद आपको हट तो जाएगा, यानी कि आपका जो करंट है उससे बच सकते हो आप, लेकिन एसी करंट से नहीं बच सकते। ये इसका मेन फंडा। तो आज हम करेंगे कि एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर में हम एसी वोल्टेज को किस तरह से अप्लाइड करेंगे। देखो भाई, हम थ्रेड डायग्राम, एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमने लिया रजिस्टर, मीन्स आर। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, क्या नेम आया है? एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर। रजिस्टर तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। हम इसको एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज बोल देते हैं, या फिर इसको हम एप्सिलॉन नोट से भी डिनोट कर देते हैं, एप्सिलॉन से, यानी कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो कितना है, या फिर एसी से डिनोट करो। ओके, ये मेन इस डायग्राम में मेन फंडा है कि रजिस्टर होता है और इस अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एसी में यहाँ पर हम करंट का फ्लो करवाते हैं। जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में होता हुआ इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज क्या करेगा, मूव करेगा। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद ये मान लो दोबारा से हम एक रजिस्टर, यानी कि सेम एज इट इज ही बनाना है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, पहले इस साइड मूव करता है, इसके बाद ये यहाँ से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने स्टार्ट कर देती है। मीन्स एक बार ऐसे घूमेगा, फिर वापस इसी साइड, मीन्स दोनों साइड घूमता रहता है, ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो डीसी करंट होता है ना, वो डीसी करंट हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो भाई क्या होता है, इसकी एक इक्वेशन दे रखी है भाई। इक्वेशन होती है कि जो हमारा ई होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। तो जो हमारा ई क्या है, ई जो हो वो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, वैल्यू होती है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और जो ई नोट है हमारा यहाँ पे, ई नोट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी ये जो वोल्टेज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, एप्सिलॉन नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और जो साइन ओमेगा टी है, जो ओमेगा टी है उसको हम बोलते हैं फेज, यानी कि जो करंट है किस फेज में
मूव कर रहा है और किस तरह से क्या वर्क कर रहा है, ये होता है फीस, ये होता है इसका मेन। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट लगा लो भाई, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमें इसका, अब तो हमें निकालना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो हम लेंगे ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर हमें यहाँ पर करंट निकालना होता तो हम लेते आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम आगे करेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी ओमेगा होती है, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं भैया आपको अच्छे समझ में, जो हमारी ओमेगा होती है ना उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होते टू पाई अपॉन टी। जो ओमेगा होती है वो होते टू पाई अपॉन टी। और जो करंट होता है हमारा, करंट क्या होता है, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपॉन रजिस्टर होता है। तो ये इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब हम ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है सेकेंड में अगर पुट करते हैं तो हमारा होगा आई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या थी, ई एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये हुई इक्वेशन थर्ड, यानी कि ये हमारा निकलाया, हमने ये निकाला है करंट, यानी कि करंट के लिए। ये करंट के लिए निकाला है। अगर मान लो, अब तो हमें निकालनी थी इसकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर मान लो अब हमें निकालनी हो करंट, अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, तो हमारी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू आई नोट, यानी कि सिर्फ एप्सिलॉन नोट की जगह आई नोट पुट करना है, साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये इक्वेशन फोर, ये होता हमारा करंट के लिए। और ये जो था, ये था हमारा वोल्टेज के लिए, ये हमारा करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए था। इसके बाद क्या होता है कि इसकी एक वेव होती है, वेव फॉर्म होती है। मान लो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना वो कैसे मूव करता है, मान लो ये हमने डायरेक्शन ले ली भाई, ये डायरेक्शन ली, ये जीरो पॉइंट, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक मूव करती है। और ये क्या है हमारा ओमेगा टी, ओमेगा टी। और जो हमारी वैल्यू पास होती है वो कौन कौन सी होगी, ये एप्सिलॉन नॉट और आई, यानी कि करंट और इस वोल्टेज वाली को और करंट वाले को हमें क्या करनी है, मूव करवानी है। यानी कि जिस तरह से अगर अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो किस तरह से मूव करता है, ऐसे 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 भाई, ये जीरो पॉइंट, ये पाई, ये टू पाई, सपोज जीरो पाई टू पाई। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, इंक्रीज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ये है। और यहाँ से मान लो ये होता है माइनस, ये प्लस वन टू, और ये होता है माइनस वन, यानी कि ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम और मिनिमम है, इस पर मिनिमम, इस पर मिनिमम, और ये फिर मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक बार इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, इसके बाद फिर से ये नेगेटिव फेज में क्या करता है, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, और फिर ये पॉजिटिव फेज में इंक्रीज होता है। इस तरह से इनकी एक वेव फॉर्म होती है, यानी कि वेव में क्या करती है, मूव करती है, मोशन होता है इनका वेव फॉर्म में। इसीलिए जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका वायर जो होता है वो हमें चिपका के रखता है, ऐसे छोड़ता नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है ना वो हमें फेंक के मारता है, क्योंकि उसकी एक झटके के साथ लाइट जाती और आती इस तरह से होती है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक इसका डिसएडवांटेज है कि वो चिपका के रखता है, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, इसी प्रकार ये तो हमारी थी वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज जो होती है इस तरह से होती है। इसके बाद अगर हम एक करंट की निकालें तो करंट की वेव फॉर्म भी सेम एज इट इज़ होती है भाई, जो ये है ना, जो हमारी वोल्टेज की है वही करंट की होती है, जो वोल्टेज की है वही करंट की होती है। तो क्या करें, अगर यहाँ पर हमें निकालनी है वोल्टेज, यानी कि अगर हम ओमेगा जो है साइन ओमेगा टी जो एंगल होता है उसकी वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो करते हैं तो ये जो हमारा
एसी वोल्टेज है वो ज़ीरो होगा, यानी कि वोल्टेज अगर ज़ीरो है तब क्या होगा, वोल्टेज ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम करंट को करते हैं, मान ले आई इज इक्वल टू, मान लीजिए आई नोट साइन ओमेगा टी थी, अगर करंट ओमेगा ओमेगा टी की वैल्यू भी हम ज़ीरो रख देते हैं किसमें, करंट में, तब भी ये ज़ीरो होगा, मीन्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो वोल्टेज, देन वोल्टेज इज ज़ीरो। तो ये दोनों क्या हैं, क्या है ये दोनों, ये दोनों सेम फेज है, सेम फेज, यानी कि अगर हमारा वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, यानी कि अगर इसकी ये डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, अगर ये वेव इंक्रीज हो रही है तो करंट की भी इंक्रीज होगी, अगर वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर डिक्रीज है तो ये दोनों डिक्रीज, यानी कि इनका जो फेज है वो सेम है, यानी कि सेम प्रोसेस है, सेम वर्क करते हैं, यही होता है मेन फंडा, यानी कि बोथ फेज आर सेम वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट जो हैं उन दोनों का सेम फेज है, कि जितना मैक्सिमम करंट होगा उतना मैक्सिमम वोल्टेज होगी, जितने मिनिमम वोल्टेज होगी उतना मिनिमम हमारा करंट होगा, ये होता है इसका मेन फंडा। जैसे कि अगर हम इसका कोई फेज डायग्राम बनाएं, फेज डायग्राम लेते हैं, अगर इसका फेज डायग्राम ले तो कैसे बनेगा, इस तरह से ये हमारा क्या है, एक पॉइंट होता भी जिसको पॉइंट ओ लेते हैं, इनके बीच में ये क्या बनती है हमारी फेज होता है, जिसको हम एंगल यानी कि ओमेगा टी बोलते हैं, ये हमारा फेज डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन अगर हमारी किसकी है, वोल्टेज की, वोल्टेज एसी वोल्टेज की अगर ये डायरेक्शन है तो सेम करंट जो है, करंट की डायरेक्शन भी सेम, यानी कि अगर ये हमारा ई है तो ये हमारा आई है, इसको ई नेम दो या वोल्टेज वी कह सकते हो आप, भाई वी बोल सकते हो, क्योंकि जो डायरेक्शन ओमेगा टी जो है फेज, उसके जो वोल्टेज का है सेम, वही डायरेक्शन करंट की है, उसी फेज में करंट मूव करेगा जिसमें वोल्टेज मूव करेगी, तो इसका फेज डायग्राम, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट यानी इस साइड नहीं होती भी, जो वोल्टेज की होती है सेम वही करंट की होती है, ये मेन है। तो इनका जो रेजिस्टेंस सेम पोजिशन, यानी कि अगर ये दोनों सारी चीज़ें सेम हैं तो इनका जो करंट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, सेम पोजिशन होती है इसकी भी, कि मान लो रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम पोजीशन होती है, जो वोल्टेज की पोजीशन है रेजिस्टेंस में वही पोजीशन करंट की भी होगी। मान लो कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इस तरह से पास कर रहा है तो वोल्टेज में, लेकिन अगर करंट होता यहाँ पर आई नोट होता तो तब भी इनका रेजिस्टेंस यही होता, मान लो कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, उनकी सेम पोजीशन रहेगी वोल्टेज करंट में भी, वोल्टेज में भी और करंट में भी। ये था एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टर की, रेजिस्टर में से हम किसी भी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है जो मैंने आपको प्रोसेस बताई। इसमें रेजिस्टर लगा होगा, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल याद रखना है भाई, सिंबल एसी वोल्टेज जो है उसका सिंबल होता है इस तरह से भी, इस तरह से होता है, समझे, ये सिंबल अगर ये लगा दिखा तो आप समझ लेना एसी वोल्टेज का यूज हुआ है, और जो करंट होता है ना, करंट लगा होता तो इस तरह से आपको मिलता कि इसमें करंट कनेक्ट है और ये एसी वोल्टेज, ये है मेन फंडा। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, सो गाइज आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो भाई, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।